गाइस डीमार्ट से मेरा सामान आ गया है और मैं सामान को अरेंज कर रही हूँ और आप लोगों से सॉरी भी बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत पहले का मेरा वीडियो है। डीमार्ट से शॉपिंग की थी तो मतलब मुझे टाइम नहीं मिला एडिटिंग करने के लिए, थोड़ा टाइम लग गया गाइस, तो माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। और आज का वीडियो हम करते हैं स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग में। सो गाइस, आप लोगों को प्यारी से गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी लोग हेल्दी और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, सुबह के बज गए हैं 10, बच्चे लोग चले गए हैं स्कूल और पूरब के पापा भी चले गए हैं अपने ड्यूटी पर। तो गाइस, अभी कल मैं डीमार्ट गई थी, डीमार्ट से ढेर सारी शॉपिंग करके लेके आई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ सारे शॉपिंग करके तो आ गया है, अभी सारे सामान को सेट तो करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं बोली कि गाइस आप लोगों के साथ बातें करते करते मैं सारा सामान सेट कर देती हूँ। सो गाइस, चलते हैं अभी किचन में और सेट करते हैं सारा सामान और दिखाती हूँ कितना सारा सामान मैं लेके आई हूँ। सो गाइस, सबसे पहले चलते हैं हम किचन में। तो गाइस, मैं आ गई हूँ किचन में और जो डी मार्ट से सारा शॉपिंग करके लाई थी उसको सबको पहले बाहर निकाल रही हूँ। और ये रहा शैम्पू, एक पे एक फ्री था, इसके लिए मैं बोली एक पे एक फ्री है तो ले लेते हैं, बाकी सब सामान ले लिया। अभी ठंडी आने वाली है तो उसके लिए लोशन भी ले लिया और दाल भी ले ली हूँ, बहुत सारा सामान ली हूँ किचन का। और जो जैसे शैम्पू है, लिक्विड है कपड़े धुलने का, उसको इस साइड में रख के सारा सामान निकालती हूँ। निकालने के बाद जो अंदर भी मेरे ड्रॉर में मतलब जो सामान है तो उसको देखती हूँ क्या क्या है। तो अभी जो जूना सामान है तो उसको मैं यूज़ करूँगी और जो अभी नया लाई हूँ तो उसको नीचे रखूँगी। और मैं लाई थी खमन, ढेर सारा खमन लाई हूँ 3 पैकेट, तो गांव लेके जाने के लिए क्योंकि गांव में सबको खमन बहुत पसंद है इसके लिए। और जो सामान अभी फ़िलहाल जैसे नमकीन, वेफर, ये बिस्किट वगैरह है, ये सबको मैं एक साइड में कर देती हूँ, एक थैला में करके भर देती हूँ। और ये पूरब का है तीखा तीखा मैगी, और मैगी ढेर सारे मसाले, बहुत सारा सामान लाई हूँ। तो सामान लाना जितना ईजी रहता है ना गाइस, उतना ही उसको मतलब कि एक जगह करके रखना सबसे बड़ा मुश्किल होता है। तो सारा सामान ऐसा करके मैं फटाफट रख देती हूँ ट्रॉली में, और जो नमकीन बिस्किट का थैला उसको ऊपर रखती हूँ किचन के, क्योंकि बच्चे लोग हैं घर में आ जाता है तो वो लोग खाते हैं, इसके लिए ऊपर रख देती हूँ। मैं फ्रिज का आज वापस से मैं सोच रही हूँ क्यों ना पूरा क्लीन कर दूँ वापस से, सब सब्जियाँ ये देख सकते हैं पूरा बारूस, चॉकलेट, पानी, ये सब रख के सब वापस से मेरा फ्रिज हो गया है पूरे तरीके से गंदा। तो आज वापस मैं इसको क्लीन करती हूँ क्योंकि अभी है टाइम, तो फ्री बैठने से अच्छा है थोड़ा क्लीन कर लूँगी तो दिवाली की सफाई में थोड़ा आसानी रहेगी इसके लिए। सो गाइस, चलते हैं पहले फ्रिज को ही क्लीन कर देते हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं अभी हम फ्रिज को क्लीन करने के लिए। क्लीन करने के लिए फ्रिज में जो सारा सामान है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। और मेरे आरुष का फ्रिज में आपको श्रीखंड एनी टाइम मिलेगा, उसको श्रीखंड इतना पसंद है कि पूछो ही मत, मतलब हमेशा फ्रिज में रहना चाहिए। वो घूम फिर के एक चम्मच खाता रहता, और लाया था वो डी मार्ट से वो कोल्ड ड्रिंक, वो भी बड़ा बॉटल लाया था, जो कि उसको मीठा खाना बिल्कुल डॉक्टर मना किए हैं, पर उसको मीठा के बिना रह नहीं सकता मेरा लड़का, इतना मीठा उसको पसंद है, चॉकलेट हो चाहे कुछ भी हो। तो मैं फटाफट सारा सामान को बाहर निकाल लेती हूँ। और केचप था, छोटा छोटा पाउच लेके आया था, पूरब को छोटे छोटे पाउच बहुत पसंद है, सारे ट्रॉल मैं सारे ट्रे को भी बाहर निकाल लेती हूँ। तो गाइस, सारा फ्रिज से सामान निकाल ली हूँ, अब मैं ये ट्रे को धुलूंगी। तो गाइस फटाफट पहले ट्रे को धुल लेते हैं, सूख जाएगा तो ही लगाएंगे, फिर उसके बाद हम फ्रिज को भी अभी क्लीन करना है तो क्लीन करेंगे। सो गाइस पहले फटाफट हम इसको धुल लेते हैं। तो गाइस चलिए अभी हम धुलना स्टार्ट करते हैं, और पहले सबको गीला करते हैं। और ले लेती हूँ मैं स्पंज नया वाला, क्योंकि फ्रिज को क्लीन करने के लिए नया स्पंज अच्छा रहता है। और चूना बर्तन धुलती हूँ इसके लिए, फ्रिज को नए वाले स्पंज से मैं धुलूंगी। और एक एक करके धुल धुल के मैं निकाल रही थी, ये देखो गाइस इतना फ्रिज में भी बहुत टाइम लगता है गाइस, मतलब एक एक चीज़ निकाल के अच्छे से क्लीन करो तो अच्छे से क्लीन हो जाता है, वरना उसी में अगर अंदर पोंछने की कोशिश करो तो अच्छे से क्लीन नहीं होता है गाइस। और गाइस प्लीज़, जो भी मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहा है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और मेरे वीडियो को फुल वॉच करिए गाइस प्लीज़। और ये देख सकते हैं सब मतलब जितने ट्रे थे सारे ट्रे को मैं अच्छे तरीके से
धुल रही हूँ। और धुलना इतना मुश्किल है और थोड़ा बचा के भी धुलना पड़ता है, क्योंकि उसमें कटरे में कांच के सामान रहते हैं, तो उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से धुलना पड़ता है संभाल के, कि फिसल जाएगा तो, वरना सफाई की जगह पूरा ही फ्रिज का सफाया हो जाएगा गाइस। इसके लिए थोड़ा संभाल के धुलना पड़ता है, और मैं एक 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 धुलती जाती हूँ और सबको निकाल, और मेरा ये धुल गया। अभी मैं करूँगी फ्रिज को अच्छे तरीके से क्लीन। तो क्लीन करने के लिए सबसे पहले मैं ले लेती हूँ लिक्विड और उससे खूब अच्छे तरीके से घसती हूँ। ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है गाइस, बहुत ज़्यादा, यकीन मानिए बहुत ही गंदा हो जाता है। तो गाइस अभी मैं मतलब कि स्पंज से घसने के बाद एक सूखा टावल ले लेती हूँ। सूखा टावल से अच्छे तरीके से उसको खूब घस घस के पानी निचोड़ निचोड़ के फ्रीज को काफ़ी मतलब 5-6 बार क्लीन करना रहता है, क्योंकि साबुन का पानी लगा रहता है। तो इसके लिए उसको अच्छे तरीके से हम फ्रीज को खूब अच्छे तरीके से पोछेंगे। ये देख सकते हैं मैं ले ली हूँ सूखा टावल और उससे खूब अच्छे से मैं पोछ रही हूँ गाइस, ये देख सकते हैं। और फ्रीज की मतलब एक फ्रीज छोटा सा क्लीन करने में मतलब घंटों लग जाते हैं गाइस, बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम। इसके लिए मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में बना रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लग जाते हैं और आप लोग गाइस बोर हो जाओगे। इसके लिए ये देख सकते हैं मेरा फ्रिज एकदम हो गया है क्लीन। क्लीन होने के बाद गाइस मैं ट्रे लगा रही हूँ, और अभी देखना मैं इतना परेशान होती हूँ कि लगेगा कहाँ। कभी कभी ऐसा दिमाग हो जाता है जो ट्रे जहाँ का रहता है वहाँ नहीं लगता। अभी ये देख सकते हैं ऊपर का नहीं है, फिर भी मैं ऊपर लगाने की कोशिश करती हूँ, फिर अचानक ध्यान आता है अरे ये तो नीचे का ट्रे है, फिर नीचे लगाती हूँ। मतलब कि काम करते करते दिमाग इतना टेंशन में हो जाता है कि दिमाग काम ही नहीं करता। और फ्रिज को निकालने में आसानी रहती है, लेकिन उसको लगाने में इतनी मुश्किल होती है गाइस, ने मैं बता नहीं सकती। और जो फ्रिज का क्लीनिंग करता होगा उसको ही पता होगा कि कितना मेहनत लगता है गाइस। और ये देखिए, तो गाइस ये देख सकते हैं मेरा फ्रिज एकदम सुंदर सा क्लीन हो गया है। तो अभी इसमें मैं सब सामान रखने के बाद आप लोगों को फाइनल अपने फ्रिज का लुक दिखाती हूँ। गाइस ये देखिए मेरा फ्रिज एकदम क्लीन हो गया, और सारा सामान मस्त एकदम बढ़िया से सेट करने पर फ्रिज भी कितना खाली खाली लगता है, ये देखो बहुत ही प्यारा। गाइस मेरा फ्रिज एकदम बिल्कुल क्लीन हो गया, और ये मैं 11 बजे से कर रही थी, अभी 12:30 हो गए, 1.5 घंटे लगते हैं सारे काम पटाने के लिए। अगर कोई एक्स्ट्रा काम पकड़ लो तो आपका पूरा टाइम चला जाता है, लेकिन हाँ 2 काम हो गए मेरे। मैं जो डी मार्ट से सामान लाई थी वो भी सब सेट हो गया, और मेरा फ्रिज भी आज क्लीन हो गया। और कल है सैटरडे और संडे को है करवा चौथ, तो सैटरडे को थोड़ा बहुत शॉपिंग करूँगी। सो गाइस अगर आपको हमारा क्लीनिंग का वीडियो अच्छा लगा तो गाइस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे सुंदर सा वीडियो लाती रहूँगी, क्लीनिंग का भी, ब्लॉगिंग का भी, सब कुछ। तो गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिए, और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्यारी सी बाय बाय।